सुप्रभातम बच्चों, स्वाविष्ट चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को लंगलकार भूतकाल मध्यम पुरुष में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज लंगलकार मध्यम पुरुष कर्ताकारक के बारे में लंगलकार भूतकाल मध्यम पुरुष कर्ता कारक लंगकार भूतकाल मध्यम पुरुष कर्ता कारक जिसे तूने पढ़ा तूने पढ़ा या तूने पढ़ी या तूने पढ़ी तूने पढ़ा या तूने पढ़ी त्वम आपठः त्वम आपठः तूने पढ़ा या तूने पढ़ी त्वम आपठः तुम दोनों ने पढ़ी तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों ने पढ़ी तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों ने पढ़ी युवाम अपठतम युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों ने पढ़ी युवाम अपठतम ये तुमने पढ़ा। नंबर तीन तुमने पढ़ा या तुमने पढ़ी तो योयम अपठत यूयम अपठत अपठत तुमने पढ़ा या तुमने पढ़ी यूयम अपठत। इसका नियम तुमने पढ़ा या तूने पढ़ी इसका नियम आप लोग देखें, जब कोई स्वर आगे होता है तो किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार बिंदु नहीं लगता है बल्कि उसके आगे म ही रहता है उसके आगे म ही रहता है। इसका नियम है जब कोई स्वर आगे होता है तो किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार बिंदु नहीं लगता है बल्कि उसके आगे म ही रहता है। अतएव हमने आप लोगों को एक दो तीन उदाहरणों में क्रमशः त्वम युवाम योजम
त्वम युवाम युजम के में अनुस्वार न लगाकर म में ही लिखा है, अनुस्वार न लगा करके अनुस्वार त्वम युवाम युजम, यानी अनुस्वार न लगा करके हमने जो है अनुस्वार न लगाकर म में ही लिखा है। किसमें लिखा है? म में ही लिखा गया है। यह अनुस्वार लगाना अशुद्ध हो जाएगा। अनुस्वार लगा देंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अनुस्वार लगाने से अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए अनुस्वार नहीं लगाएंगे। इसके आगे से तुम गए। अगला क्वेश्चन, तुम गए। तुम गए त्वम अगच्छ। तूने लिखा। युवाम अलिखताम। युवाम अलिखताम। तुम दोनों ने युवाम अलिखताम, तूने लिखा युवाम अलिखताम, या तुम दोनों ने लिखा। अब अगला क्वेश्चन, तुम दोनों ने भजन किया। तुम दोनों ने भजन किया। तुम दोनों ने भजन किया। युजम अभजत। अब इसके बाद अगला सवाल, तूने पीटा। तूने पीटा। युवाम अतारतम। तूने पीटा। युवाम अतारतम। अगला क्वेश्चन,
तुमने सुना, तुमने सुना, तुमने सुना, तुम आकर रहे हो, तूने सुना, तुमने सुना, तुमने सुना, तुम अकड़ रहे, तुम अकड़ रहे, तुम अकड़ रहे, तुमने सुना, तुम अकड़ रहे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तुम दोनों ने देखा, तुम दोनों ने देखा, तुम दोनों ने देखा, तुम दोनों ने देखा, युवाम अपस, युवाम अपस, तुम दोनों ने देखा, तुम दोनों ने देखा, युवाम अपश्यतम, तुम दोनों ने देखा, युवाम अपश्यतम, युवाम अपश्यतम। इस प्रकार से हम यहीं पर एक बार आप लोग समझें। ललकार भूतकाल मध्यम पुरुष कर्ता कारक में तूने पढ़ा, तूने पढ़ा या तूने पढ़ी, तूने पढ़ी, तूने पढ़ा या तूने पढ़ी, तुम अपठः, तुम अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा या तुम दोनों ने पढ़ी, तो युवाम अपठतम, युवाम अपठतम, तुमने पढ़ा या तुमने पढ़ी, यूयम अपठत, तुम गए, तुम अगच्छः, तूने लिखा, युवाम अलिखतम, तुम दोनों ने भजन किया, यूयम अभजत, अभजत, तूने पीटा, युवाम अताड़यतम, तुमने सुना, तुम अकर्ण्यः, तुम दोनों ने देखा, युवाम अपश्यतम। इस प्रकार से हमने बताया लग्न काल भूतकाल मध्य पुरुष कर्ता कारक के बारे में। अब आप लोगों को मैं आज लग्न काल भूतकाल मध्यम पुरुष यहीं पर आप समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सर धन्यवाद।